कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जदीद दौर में भी ऐसे बाज़ौक अफराद मौजूद हैं जो किताबों को ही ओढ़ना भी छोड़ना तसव्वुर करते हैं। तरक्की पज़ीर मुमालिक में नौजवान नस्ल की किताबों से दूरी की सबसे बड़ी वजह शऊर की कमी और मोबाइल टेक्नोलॉजी का बिला वजह और बेदरेक इस्तेमाल है। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में रवां साल के दौरान कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। जिसमें मुल्क के नामवर इशाती इदारों की तरफ से मुख्तलिफ मौजूआत पर मबनी किताबों के स्टॉल सजाए गए। जहां पर बच्चे बड़े और यूनिवर्सिटी के तोलबा व तोलबात अपनी मनपसंद किताबें ढूंढते नजर आए। ये बात भी दुरुस्त है कि इंटरनेट ने मालूमात तक रसाई को इंतहाई आसान बना दिया है, लेकिन किताबों से मोहब्बत करने वाले ही जानते हैं कि जिंदगी से भरपूर किताबों का नेवल बदल टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। अगर नौजवान नस्ल में इल्मी शऊर पैदा करना है तो फिर किताबों से दोस्ती कराना नागुजीर हो चुका है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुतुबीनी का रुझान फिर से पैदा करना पड़ेगा। घरों में वालदैन के साथ साथ तालीमी इदारों में असातिज़ा को अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि आने वाली नस्ल को फिर से किताबों से लगाव हो जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाज़ौक लोग तो किताबों में ही सुकून और इल्म की वुसअत तलाश करते हैं, लेकिन इस बात को भी मखलूते खाते लाना इंतहाई जरूरी है कि आसमान से बातें करती किताबों की कीमतों ने इंसान के इल्म दोस्ती को भी महंगा सौदा बना दिया है। जिसके सबब बच्चे किताबों की बजाय इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ मजामीन की PDF फाइल्स का सहारा लेने पर मजबूर हो चुके हैं और वक्त के साथ साथ उनकी किताबों से दूरी होती गई।